Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी के पास हथियारबंद अपराधियों ने मंगलवार की रात बूथ संचालक 50 वर्षीय बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस हत्या का कारण जमीनी विवाद बता रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी शरद ने बताया है कि इस मामले की छानबीन जारी है। आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंगपुरी एरिया में ये सूचना मिली कि अजय कुमार नामक व्यक्ति को उनका दुकान है वहीं पे जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में एएसपी सिटी त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचे हैं और सभी लोग अभी आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं सभी का अवलोकन कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में ये आया है कि उसमें दो अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस घटना के संबंध में एफएसएल टीम भी जो है पीओपी विजिट कर रही है और उनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे भी जो घटना का कारण हो सकता है उसका पता किया जा रहा है। अजय शाह उसी दुकान पर सह मकान में रहते हैं। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात लगभग 10 बजे दूध बूथ पर अजय शाह बैठे थे। दो युवक बूथ सह मकान में पहुंचे। परिजनों की माने तो दोनों युवक बूथ के अंदर घुसकर गोली चलाने लगे। गोली लगते ही संचालक गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर मकान के अंदर रह रहे परिजन बाहर निकले और खून से लथपथ अजय को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पहुंचकर आलमगंज थाना पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं उनकी पत्नी शोभा देवी ने पुलिस को बताया है कि पति बूथ दूध बंद करने की तैयारी में थे, अचानक दो बदमाश वहां पहुंचे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या कर अपराधी पैदल ही आराम से निकल गए। एएसपी शरद आरएस ने बताया है कि ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा लगता है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है।